चलते अपना पहले सॉफ्टवेयर खोलते हैं, यहाँ वर्ड लिख करके स्टार्ट पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर खुल के यहाँ पर सामने आ गया। आज का जो मेरा टॉपिक है पैराग्राफ, वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और ये एडिटिंग ग्रुप, ये तीनों क्लियर करेंगे। जो मैं पिछले क्लास में मैं पढ़ा था वो क्लिप बोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ, नहीं पैराग्राफ छोड़ दिया था जी, आज का मेरा टॉपिक है पैराग्राफ। चलिए चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। सबसे फर्स्ट देखिए लिख रहा है क्या, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो पहला कमांड से है वो लिख क्या रहा है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बुलेट्स, क्या लिख रहा है, बुलेट्स। बुलेट्स के लिए सबसे पहले कुछ रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ेगा, जैसे कि मैं कुछ यहाँ टाइप कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर साइज बढ़ा करके देखिए, यहाँ साइज बढ़ाने के लिए बटन बताया था पिछले क्लास में, स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड, इसको मैं कुछ बड़ा कर लेता हूँ, जैसे सिलेक्शन करके यहाँ पर बीच में बड़ा कर लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि इसको इंटर से नीचे रखिए और यहां से लेफ्ट अलाइन करिए। अब यहां पर जो भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार करना है उसके उसके आगे एक सिंबल के द्वारा हाईलाइट करना चाहते हैं, एक चिन्ह के द्वारा हाईलाइट करते हुए लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बुलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए क्या करना है, बुलेट्स पे लेफ्ट बटन क्लिक करिए इस पॉइंट पे, और यहां से किसी भी प्रकार का बुलेट आपको लेना है और उस पर क्लिक कर लीजिए लेफ्ट बटन। जैसे मैं ए बुलेट लेना चाहता हूँ, इस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नाम टाइप करिए, जैसे मेरे को यहाँ स्टूडेंट का जो नाम है वो राम कुमार है, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे अपने आप बुलेट लेते चलेगा, जैसे कि श्याम, ठीक है, रोहन, ठीक है, ये अपने आप खुद से खुद ये नीचे की ओर इंटर प्रेस करते ही आपका बुलेट लेते चलेगा। जैसे ही पैराग्राफ आप चेंज करिएगा तो आपका बुलेट लेते चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बुलेट्स अब नहीं चाहिए तो आपको करना क्या है, दो ऑप्शन आपके पास है। एक ऑप्शन है आप इसी पॉइंट पे क्लिक करके बुलेट्स को नन कर लीजिए और अब टाइप करिए जैसे सोहन कुमार, तो देखिए आपका बुलेट्स हट गया। नहीं तो आप एक ऑप्शन का और इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप जैसे यहां पर लिखने के बाद आप हटा करके लिखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका ये बुलेट्स हट जाएगा। देखिए बुलेट्स हट गया और उसके बाद जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग बुलेट का काम करते हैं। अगर आपको पूरी मैसेज से बुलेट हटाना है तो आप कंट्रोल ए कर सकते हैं, नहीं तो आप की माउस से लेफ्ट बटन क्लिक के साथ ड्रॉ करिए और इस पॉइंट पे जाकर के आप बुलेट्स को नन कर दीजिएगा तो आपका बुलेट्स यहाँ पे हट जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो बुलेट्स के बारे में अभी पढ़े हैं वो सीख चुके होंगे। अगला क्लास में अभी हम क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या लिख रहा है, नंबरिंग। नेक्स्ट टॉपिक मेरा नंबरिंग है। नंबरिंग क्या करता है समझिएगा, नंबरिंग के बारे में जानने के लिए जस्ट ये डाटा यहां पर यूज पड़ेगा। जैसे सपोज दैट जो आप हाईलाइट कर रहे थे बुलेट्स के द्वारा, वहां पे आप नंबरिंग के द्वारा भी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहां पर सिलेक्शन में कर लेता हूं और यहां पर देखिए नंबरिंग के पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूं, जो भी आपको नंबरिंग चाहिए आपका नंबरिंग आ जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं, देखिए नंबरिंग सामने आ गया। अगर आप चाहते हैं नहीं हमें और ही नंबरिंग चाहिए तो लास्ट में क्लिक करके इंटर प्रेस करते रहिएगा, लिखते चलिएगा, आप नंबरिंग लेते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आप नंबरिंग और बुलेट्स के बारे में सीख चुके हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आपके मल्टी लेवल लिस्ट, आप जैसे नंबरिंग यूज किए उस तरह से इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप यहां से यहां हटा दीजिए, यहां नंबरिंग को मैं नन कर दिया, अब मल्टी लेवल को लेना चाहते हैं तो देखिए इसमें से कोई एक ले लीजिए, कि इसके द्वारा ही वही आया, ठीक है। तो यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। तो अब नंबरिंग का मेरा काम हो गया, यहां पर से हम लोग यहां पर हटा लेता हूं, नन कर लेता हूं, देखिए हट गया। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, नेक्स्ट यहां पर देखिए डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और यहां पर इंक्रीज इंडेंट, ये क्या करता है जी, तो इसके बारे में समझिए क्या करता है। सबसे पहले आप यहां पर कुछ नाम लिख लिए, ठीक है, और यहां से इसको कुछ स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं, हल्का हल्का इंडेंट आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहां दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। या तो फिर आप सिलेक्शन करके कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करिए, आपका जो पैराग्राफ है हल्का हल्का आगे बढ़ते चलिएगा चलेगा, देखिए। और पीछे की ओर ले जाना है तो देखिएगा ये डिक्रीज इंडेंट है, आप इस पर क्लिक करके पीछे की ओर ले जा सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट से आप यहां पर ले जा सकते हैं, हल्का हल्का आगे बढ़ा सकते हैं, देखिए कुछ यहाँ पर जो सेटिंग किया हुआ था, जैसे व्यू में ले जाकर के मैं रूलर ले लेता हूँ, देखिए रूलर है ना,
अगर आप इसको, चलिए होम पे चलता हूं, इसको पीछे की ओर ले चलिए, देखिए पीछे चल रहा है। तो देखिए इस सेटिंग क्या हुआ कि हाफ हाफ इंच पे हमको रखना है, ये देखिए यहाँ रखा हुआ है, हाफ हाफ इंच पे रखना है। तो ये लेते हुए आगे चल रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी हम सेटिंग कर रखे हैं, देखिए आगे बढ़ते चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, पीछे की ओर ले चलना हमको, जहां था वहां पर रख दिए। नेक्स्ट कहता है, ये क्या कहता है, शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है समझिएगा, शॉर्ट के बारे में समझिएगा कि शॉर्ट आखिर कहता क्या है से, ठीक है। तो शॉर्ट देखिए, चलिए होम पे आप इस पे क्लिक करिए और इसमें देखिएगा यहां पर ऑप्शन कुछ दे रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, समझिएगा बात को। यहां पर देखिए असेंडिंग ऑर्डर दे रहा है और डिसेंडिंग ऑर्डर दे रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये क्या करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग से समझना है, इस बातों को समझिए। यहां पे देखिए, यहां पर असेंडिंग का मतलब होता है, इसको सिलेक्शन पहले कुछ करके मैसेज लिखे, जैसे हम लिख दिए 4 1 2 3 और इसको सिलेक्शन करिए, और क्या करिए इसको सिलेक्शन, और चलिए यहां पर असेंडिंग पे क्लिक करिए, यहां पर असेंडिंग पे क्लिक करिए, ठीक है। और यहां से देखिए असेंडिंग लिख रहा है और ओके कर दे रहा हूं। तो देखिए ये आपका बढ़ते क्रम में सजा दिया। अगर उसी तरह से इसको सिलेक्शन करके, आप इस डाटा को सिलेक्शन करके आप इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और यहां से अगर आप डिसेंडिंग पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो देखिए आपका डाटा को जस्ट उल्टा, मतलब कि घटते क्रम में करता है, और एक करता है आपका बढ़ते क्रम में। तो समझ गए होंगे कि क्या करता है शॉर्ट। आप यहां पर अपना नंबर के अलावे कोई आप टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, जैसे कि हम हमारे लिख दिए, जैसे बिट्टू लिख दिया मैं, यहां पर लिख दिया अन्नू, यहां लिख दिया सिट्टू, यहां लिख दिया इट्टू, इस तरह से कुछ भी हम लोग अल्फाबेटिकल हम यहाँ टेक्स्ट लिख रहे हैं। यहां पर सिलेक्शन करिए और इस शॉर्ट पे क्लिक करिए, और शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आप असेंडिंग एक लिख रहा है और डिसेंडिंग लिख रहा है। तो असेंडिंग पे जैसे ही क्लिक करिएगा और ओके प्रेस करिएगा, ठीक है, जैसे ही ओके प्रेस करिएगा यहां पर, तो आपका डाटा जो है देखिए आपका सेट हो गया अल्फाबेटिकली, माने ए बी सी और यहां पर ई आ गया। अगर यहां पर चलते हैं आप और यहां पर क्लिक करने के बाद अगर आप डिसेंडिंग पर क्लिक करके ओके करते हैं, तब देखिए आपका क्या हो गया डाटा, यहां पर देखिए डाटा को ये जस्ट उल्टा में हो गया, अल्फाबेटिकली नहीं हुआ, जैसे ई सी बी ई जस्ट उल्टे क्रम में सेट हो गया, घटते क्रम और बढ़ते क्रम होता है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कहता है समझिएगा, ये आगे आपको सिंबल दर्शाता है, ये देखिए ये पाई का सिंबल आ जाता है, जैसे सपोजर कोई वर्क करते समय अगर आपको ये प्रॉब्लम करता हो, पाई बार बार आ जाता हो, तो आप इस पर क्लिक करके हटा सकते हैं, यहां पर से क्लिक करके हटा सकते हैं। नेक्स्ट अब निचले रो पे चलता हूं कि निचला रो क्या है, ये देखिए क्या कह रहा है, लेफ्ट अलाइगन। अगर आप इस डाटा को, अगर आप इस डाटा को सिलेक्शन करके यहां से करते हैं लेफ्ट, तो ऑलरेडी तो ये लेफ्ट में लिखा ही रहा है, बायां साइड तो लिखा ही रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको सेंटर में रखना है, तो आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना होगा, आपका डाटा सेंटर में आ जाएगा, देखिए सेंटर में आ गया। इसका शॉर्टकट की भी दिख रहा होगा आपको, यहां पर कंट्रोल एल कीबोर्ड से आप यहां पर प्रेस करिए, कंट्रोल के साथ एल, तो देखिए आपका कीबोर्ड से यहां प्रेस करते हैं, यहां पर कहां आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। अगर इस डाटा को आप चाहते हैं कहां सेंटर, तो कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं, यहां पर देखिए कंट्रोल ई से आपका कहां आ गया, सेंटर में आ गया। अब इसको अगर राइट अलाइगन करना है, तो आप कंट्रोल के साथ आर प्रेस करिएगा, तो आपका डाटा राइट साइड आएगा, देखिए आपका डाटा इधर आ गया, देख सकते हैं आप डाटा आपका कहां आ गया, इधर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको वापस से जहां था वहां करना है, तो आप इसको सिलेक्शन करके आप यहां से जस्टिफाई करिएगा, तो आपको जहां डाटा था वापस से वहां आ जाएगा, देखिए कंट्रोल जे भी कहता है, आप जे भी कर सकते हैं, आप इस पॉइंट पे क्लिक करिए, आपका वापस से डाटा जहां था वहां चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिए हम लोग थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ा रखे हैं, यहां से बताए थे ना कि डिक्रीज और इंक्रीज से आगे हम बढ़ा रखे हैं, आप इसको पीछे क्यों ले जाना था, आप क्लिक करके यहां पर ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला ऑप्शन, ये जस्टिफाई, नहीं नहीं नहीं, जस्टिफाई के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। जैसे सपोज डेट आपके पास कुछ पैराग्राफ रहेगा, जैसे पैराग्राफ क्या है समझिएगा, यहां पर हम यहां से सिलेक्शन करता हूं, इसको डिलीट कर लेता हूं, इसको सिलेक्शन करके मैं डिलीट कर लेता हूं, और यहां पर एक पैराग्राफ मैं टाइप करता हूं बराबर और आर एंड डी करके साथ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बराबर आर ए एंड डी,
और शिफ्ट के साथ यहां पर 9 और 0 प्रेस करिएगा, ठीक है, और इंटर प्रेस करिए तो बहुत सारा पैराग्राफ आएगा, लेकिन मेरे को 2 पैराग्राफ चाहिए, तो 2 लिख करके और कोस्ट बंद कर लीजिए और इंटर प्रेस करिए। देखिए बहुत सारा पैराग्राफ आ गया, इसको हम लोग और मैसेज का साइज छोटा करता हूं, तो मैसेज का साइज छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करिए, और यहां से देखिए कुछ मैसेज का साइज छोटा करने के लिए मैं यहां से बताया था, यहां से देखिए मैं छोटा कर ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है, मैसेज का साइज कुछ छोटा कर रहा हूं। देखिए अभी आप देखिए कि यहां पर डाटा जो आपका है, इधर इधर डाटा जो है आपका एकदम सेम साइज एकदम मिला हुआ है, एक मैसेज इधर इधर सीट नहीं है, एकदम सेम सेम यहां पर एडजस्ट हो रखा है। लेकिन इधर देखिए राइट साइड आप देखिएगा तो राइट साइड आपका डाटा इधर उधर है, देखिएगा यू यहां है तो यू फिर इधर आ गया है, फिर आगे बढ़ गया, मतलब तो कि सेम सेम साइज में आपका डाटा यहां पर सेट नहीं है, आप देख सकते हैं आपका डाटा यहां पर सेट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं मेरा जो डाटा है उस सेट हो जाए सेम स्टाइल में, मतलब कि जैसा इधर है लेफ्ट साइड वैसा इधर भी हो जाए, तो उसके लिए करना क्या होगा समझिएगा बात को। उसके लिए आपको देखिए यहां पर इधर उतना सेट नहीं, बढ़िया से जैसे देख सकते हैं, आपको दोनों साइड बराबर बराबर सेट करने के लिए आपको डाटा को सिलेक्शन करना होगा, और सिलेक्शन करने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन का यूज करना होगा। देखिए ऑप्शन क्या है, जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई पे क्लिक करना होगा। देखिए जस्टिफाई, तो आप लीजिए जस्टिफाई पे क्लिक करिए, आपका देखिए इधर भी सेट हो गया और इधर भी सेट हो गया, दोनों साइड सेट हो गया, इधर भी और इधर भी, मतलब लेफ्ट में बराबर बराबर दूरी पे सेट हो गया, एक समान दूरी पे सेट हो रखा है, और यहाँ पे राइट साइड भी एक समान दूरी पे सेट हो रखा है, जो जस्टिफाई के इस्तेमाल से करते हैं। अगर आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं किसी के पास सबमिट करिएगा, और ये देखिए इस तरह का रहेगा तो देखने में कितना खराब गंदा सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर गंदा सा दिख रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं बस एक क्लिक करना है, वो कौन सा क्लिक करना है, तो जस्टिफाई पे क्लिक करना है, और देखिए बराबर बराबर दोनों साइड दूरी पे सेट हो गया आपका मैसेज, आपका पैराग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक और चलते हैं, ठीक है। आगे जो मेरा टॉपिक है यहां पे लाइन स्पेसिंग, क्या बोल रहा है जी, लाइन स्पेसिंग, देखिएगा लिखेगा लाइन स्पेसिंग, ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसके द्वारा क्या करेंगे समझिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं जो मेरे पास डाटा यहां पे है, एक मिनट यहां पर जो मेरा डाटा है इसको और ऊपर कर लेता हूं, देखिए यहां से ऊपर होता है, जो आप यहां से पकड़िए, पकड़ के थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर लीजिए, देखिए ऊपर हो गया, आप जो डाटा देखिए उसके लाइन के बीच में जो दूरी है देखिए बहुत ज्यादा दूरी हो रखा है। अगर आप इसको कम और ज्यादा करना चाहते हैं तो देखिए जितना मैसेज को आप सिलेक्शन करिएगा, जैसे मैं एक पैराग्राफ को सिलेक्शन कर लिया, और यहां से लाइन एंड पैराग्राफ पे क्लिक करिए, और यहां से देखिए कम हो रहा है लाइन एंड पैराग्राफ की दूरी, देखिए कम हो रहा है, क्या देखिए हो रहा है कम। अगर आप ऊपर की ओर ले चलते हैं 1.0 करते हैं, देखिए एकदम पूरा कम हो गया। अगर इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए आप इसको हल्का हल्का आगे बढ़ा सकते हैं, तो आपका डिफॉल्ट जो रखना है आपको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें से। अगर आप पूरी एक बार में एक साथ में आप अपना पूरी डाटा जो है पूरी डाटा वो एक साथ एक कम करना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना होगा, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करिए, और यहां से आपको क्या प्रेस करना है देखिएगा समझिएगा बात को, ये आपका लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे क्लिक करिए और यहां से वन कर लीजिए, एक बार में दूरी आपका कम गया, देख सकते हैं यहां पर जो आपका डाटा है उसका एक समान दूरी हो गया। अगर आप एक क्लिक से बढ़ा कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हो, तो आपको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है, और यहां जाना है कहां पे, तो लाइन एंड पैराग्राफ पे, और बढ़ाना है या घटाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या कहता है, शेडिंग, क्या कह रहा है जी, देखिए समझिएगा क्या कह रहा है शेडिंग, ये क्या करता है, तो आप डिफिनेशन से भी समझ सकते हैं कि चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्शन टेक्स्ट पैराग्राफ और टेबल सेल, मींस कहता क्या है समझिएगा कि आप जो सेलेक्ट करिएगा टेक्स्ट को उसके बिहाइंड में पीछे से आपका कलर देगा, ठीक है, बिहाइंड मींस पीछे से आपका कलर देगा। तो देखिए करता क्या है, तो आप सिलेक्शन इसको कर लिया, ठीक है, और पीछे से इसका मैसेज के पीछे से कलर देना चाहते हो तो आप इसको ट्रेस करिए इस पॉइंट पे और देखिए लीजिए कलर,
देखिए कलर आ गया सबके इसके पीछे से, जो जो सेलेक्ट कर रखिएगा उसी को कर देगा। ठीक है, एक काम इसका और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहाँ पे इसको अगर नन करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करके इसी पॉइंट पे आपको जाना होगा। इसी पॉइंट पे आपको जाकर के आप यहां से क्या करिएगा, नो कलर, तो आपको कलर हट जाएगा। देखिए नीचे एक सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इसको फिर से सिलेक्शन करिए, आप इस पॉइंट पे जाइए और यहां से नो कलर करिए, देखिए हट गया। नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या कहता है जी, यहाँ बॉर्डर। तो बॉर्डर से पहले इसके एक इसके बारे में एक हल्का सा और समझते हैं। जैसे सपोज दैट मैं कुछ डाटा को टेबल में रखता हूं, टेबल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंसर्ट पे क्लिक करना होगा, टेबल पे क्लिक करना होगा, कुछ यहाँ पर टेबल में लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें टेबल लिखने के बाद यहाँ पर कुछ मैं बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पर बना लेता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद नेम मैं बना लिया। ठीक है, उसके बाद नेम करने के बाद मार्क्स कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी और ले लेता हूँ, जैसे कि रिजल्ट, उसके बाद डिविजन, ठीक है, उसके बाद रिमार्क, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर ले लिया, एक ले लिया, यहाँ पर दो ले लिया। नेम में यहाँ पर आप चलिए, यहाँ पे ये नाम में जैसे राम, श्याम, ठीक है, मार्क्स में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 300 में लिख दिया। यहाँ पे टैब से आगे बढ़ते हुए, टैब से आगे 300 में लिख दिया। यहाँ पर रिजल्ट में जैसे कि पास हो रखा है, या डिवीजन में जैसे फर्स्ट है, देख सकते हैं फर्स्ट ही है। रिमार्क में जो आपको भरना है रिमार्क में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वगैरह कुछ भी कब डाल दीजिए आप, कुछ भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं आपको डाटा ऐसी तरह से दिखाने के लिए बता रहा हूं, फर्स्ट लिख दिया। अब यहां पर जो भी है, आप इसको जो हेडिंग है उसको आप कलर करना चाहते हैं, जो ऊपर वाला सेल है उसमें कलर भरना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्शन पहले करिए। ठीक है, इसको सिलेक्शन करने के बाद आपको होम पे जाना है, और होम पे जाने के बाद देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, शेडिंग। तो आप इस पॉइंट पे क्लिक करके जो भी कलर को आप फिल करना चाहिए उसमें आपका एक कलर को फिल करता है, देखिए यहां पर अच्छा लगने लगा आप, तो इस ये भी करने का काम करता है। क्योंकि यहां पर डिफिनेशन समझिएगा क्या लिखा हुआ है, इसका डिफिनेशन समझिए कि ये आपका सिलेक्टेड पैराग्राफ और टेबल दोनों के बिहाइंड में आपका कलर को फिल करता है, रखता है, भेजता है, डालता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि क्या करता है यहां पर। नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए बॉर्डर, बॉर्डर क्या का काम किया है समझिएगा। तो उसके लिए हमको कुछ और डाटा बनाना होगा, जैसे मैं कुछ डाटा यहां पर प्रिपेयर करता हूं, जैसे डाटा में प्रिपेयर कर लिया, यहां से कुछ पैराग्राफ ही लिख रहा था, जैसे बराबर आर एन डी करके, सबसे आसान है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, टाइम आपका खत्म नहीं होगा ज्यादा। इंटर, कुछ ज्यादा ही मैसेज आ गया, इसको मैं डिलीट कर लेता हूं नीचे की ओर वाला। ठीक है, ऊपर चलते हैं, इसको मैं सिलेक्शन करके, अगर आप यहां देखिए कितना पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ ऊपर है, एक पैराग्राफ नीचे है, देखिए दो पैराग्राफ है। तो मैं अभी बताया कि ये पैराग्राफ पे काम करता है, किस पे काम करता है जी, तो पैराग्राफ पे काम करता है, किस पे काम करता है, तो पैराग्राफ पे काम करता है। तो चलिए इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद यहां पर देखिए बॉर्डर लिखा हुआ है, इस बॉर्डर पे क्लिक करिए, और देखिए बॉटम इस नीचे की ओर बॉर्डर दे रहा है, जैसे क्लिक कर लिया, देखिए नीचे की ओर बॉर्डर दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर से देना है तो यहां से देखिए टॉप मींस ऊपर से दिया, यहां से अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें लेफ्ट से देना है तो देखिए लेफ्ट से दे दिया, अगर आपको राइट से चाहिए देखिए राइट से भी दे दिया। ठीक है, अगर आप बॉर्डर को नहीं चाहते हैं तो नो बॉर्डर करिए, और यहां से और भी ऑप्शन है, देखिए लिखा हुआ ऑल बॉर्डर। तो देखिए कितना पैराग्राफ है आपका, दो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ऊपर और एक पैराग्राफ नीचे, दोनों को आउट ऑल बॉर्डर कर दिया। उसी तरह से आगे नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, नो बॉर्डर कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स चारों ओर से बाउंड्री टाइप की दे दिया, कैसे घेरा बना हुआ आ गया, देखिए बाउंड्री जैसा। अगर आप फिर से नो बॉर्डर कर लीजिए, और अगला ऑप्शन इसी तरह से करके देख लीजिएगा, सब सेम है। इनसाइड मीन्स अंदर, देखिए इनसाइड हॉरिजेंटल है नहीं डाटा, यहाँ पर ऐसा तो खड़ा वाला डाटा है नहीं कि ये सब काम करेगा, तो परमिट करके कुछ देर देखिएगा, कुछ खास इसमें है नहीं, बस जो भी खास है आपको ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, आउटसाइड बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जैसा और काम कर सकते हैं, जैसे कुछ आपके पास इस टाइप से डाटा रहेगा, जैसे लिखा हुआ रहेगा राम, श्याम, गीता, सीता, रीता, इस तरह से कुछ नाम लिख रखे हैं, मोहन, ठीक है, कुछ भी। अब इसको अगर आप सिलेक्शन करते हैं और या फिर और कुछ इसमें स्पेस के साथ राम जी गुड बॉय लिख देते हैं, ठीक है, बॉय लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, श्याम इज सो नटी, यानी नटी के साथ गुड कर लेते हैं, बैड कर लेते हैं, सो बैड बॉय, थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा लंबा लंबा मैसेज लिखने में, इसलिए इतना ही में हम कर लेते हैं, इसको सिलेक्शन कर लेंगे, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ,
थोड़ा सा जरूरत है, कंट्रोल से कॉपी कंट्रोल से पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आ गया सामने, अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, देखिए सेलेक्ट कर रहा हूं इसको। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पॉइंट पर अब चलिए, यहां पर देखिए कि अलग अलग पैराग्राफ है, बहुत सारा पैराग्राफ है, तो आप देखिए पर जितना पैराग्राफ चारों ओर से दिया, अगर इस टाइप के अगर डाटा रहेगा, जितना बार इंटरप्रेस करके आप अपना पैराग्राफ को बना रखिएगा, तो इस टाइप से ऑल बॉर्डर करेगा। देखिए चारों ओर से सबका अलग अलग घेरा दे दिया, जितना भी आप लाइन लिख रखे हो, पैराग्राफ लिख रखे हो, उसका अलग अलग टाइप से घेरा दिया, तो इस टाइप से भी यूज किया जाता है। मैसेज लिखा रहेगा तो अगर आप इसे नो कर दे तो हट गया, ठीक है। और यहां से अगर आप चाहते हैं इनसाइड, तो देखिए इनसाइड देखिए इस टाइप से दिया अलग अलग टाइप से, तो यहां पर समझ गए होंगे ये पैराग्राफ के सारे ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो है वो आपका स्टाइल ऑप्शन है, स्टाइल के बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अगर आप बॉर्डर हटाना चाहते हैं जाइए और नो बॉर्डर। स्टाइल क्या करता है समझिएगा, यहां पर जो मैटर लिख रहा हूं वो आप यहाँ कौन सा स्टाइल में ले रखे हैं, तो देखिए यहाँ पर ले रखे हैं नॉर्मल में, नहीं यहाँ पर देखिए नो स्पेसिंग में, देखिए कौन सा स्पेसिंग चेंज हो रहा है, क्या स्टाइल देखिएगा, यहाँ पर नॉर्मल में देखिए इस टाइप से स्टाइल हो रहा है। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, तब दिखाई देगा आपको। यहाँ देखिए नॉर्मल में इस टाइप का है, यहाँ से नो स्पेसिंग में देखिए स्टाइल चेंज हो रहा है, हेडिंग वन में देखिए स्टाइल चेंज हो रहा है, हेडिंग टू में इस टाइप का स्टाइल है, यहाँ पर टाइटल में देखिए कौन टाइप का स्टाइल है। जैसे इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा स्टाइल देंगे आपके पास आएंगे, क्लिक करिए। अब देखिए इसमें देखिए इस टाइप का चेंज हो रहा है, यहां पर देखिएगा तो जो सेटिंग कर रखा है वो इसमें शो कर रहा है। अगर आप चाहते कि नहीं हमें तो नॉर्मल ही चाहिए, तो आप नॉर्मल इस पे क्लिक करके काम कर सकते हैं, या नो स्पेसिंग, तो बिना स्पेसिंग का आएगा, देखिएगा इसमें मैं क्लिक करके थोड़ा सा साइज बढ़ाकर दिखा रहा हूं, देखिए बिना स्पेस का इसमें रहता है नो स्पेसिंग में एकदम डिफॉल्ट। तो हम लोग ऐसे रखते हैं नॉर्मल में, यहाँ पर जो नॉर्मल आपको नजर आ रहा है इसमें रख के काम करिएगा, और आपको जो भी बड़ा करना है छोटा करना आप खुद से कर सकते हैं। तो ये आपका स्टाइल ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या है, एडिटिंग। एडिटिंग क्या करता है समझिएगा, एडिटिंग क्या करता है समझिएगा, क्या लिख रहा है फाइंड, क्या लिख रहा है फाइंड। फाइंड मीन्स होता क्या है समझिएगा, कि अगर आप कर्सर को फर्स्ट लाइन पर रखते हैं और इसमें से कुछ पार्टिकुलर मैसेज को ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकुलर मैसेज को ढूंढना चाहते हैं, ठीक, पहले इसको और सिलेक्शन करके बड़ा करता हूं, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहां से जो भी मैसेज टाइप करना है, जैसे मैं टाइप कर ले यहां पे राम, ठीक है, और ए इंटर करिए, राम लिख करके क्या करिए इंटर, और तो जहां भी मैसेज आपका रहेगा वो हाईलाइट करने लगेगा। देखिए यहां पर हाईलाइट करने लगा, समझ देख सकते हैं कि हाईलाइट करने लगा यहां पर। अब यहाँ पर समझिएगा कि एक क्या है, कितना जगह लिखे आप, रिजल्ट आपका कितना है, तो एक है, कितना जगह रिजल्ट आपका है, तो एक जगह रिजल्ट है। देखिए आप एक ही जगह ना राम लिख रखे हैं, अगर आप चाहते हैं कि बैड ढूंढना चाहते हैं तो दूसरा कोई मैसेज को लिख दीजिए, जैसे मैं बैड लिख देता हूं और इंटर करता हूं, तो कितना कहां कहां पर है, देखिए एक कितना जगह है, पांच जगह है, देखिए एक दो तीन चार पांच, देखिए पांच जगह बता रहा है, और कौन कौन सा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सारा पैराग्राफ को यहाँ पर दर्शा रहा है, ठीक। तो समझ गए होंगे कि क्या ऑप्शन है आपका फाइंड, फाइंड मींस ढूंढना होता है, पाना होता है, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है और रिप्लेस नाम का ऑप्शन है, उसके बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट नाम के कमांड है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट कर्सर को फर्स्ट लाइन पर रख दीजिए, और फर्स्ट लाइन पर रखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है रिप्लेस वाले ऑप्शन पे, किस पे क्लिक करना है, रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर कंट्रोल एच बोल रहा है, देखिए इस पे क्लिक करिए, और हटाना क्या है आपको, सिर्फ पहले ऊपर लिखिए, किसमें लिखिएगा आप, तो उसको हटाने वाला मैसेज को फाइंड व्हाट में लिख रखना है। जैसे हटाना है हमको यहाँ पर बर्मा, क्या नाम, क्या हटाना है आपको, बर्मा हटाना है, तो आपको रखना है क्या, ऊपर लिखना है, तो हम लिख दिए बर्मा, रखना क्या है उसके जगह आपको, तो हमको रखना है उसके जगह बर्मा को हटा करके शर्मा, तो नीचे लिखेंगे फाइंड व्हाट में, जैसे एस एच ए आर एम ए शर्मा रखना है, तो देखिए लिख दिया शर्मा। अब आपको रिप्लेस करना है सारा जगह पे, जितना जगह पे आप लिखा हुआ बर्मा नाम से उस सब जगह पे आपको हटाना है, तो आपको क्या करना होगा, रिप्लेस ऑल करना होगा, तो सारा का सारा जगह देखिए हट गया, कितना जगह हटा, तो सेवन रिप्लेसमेंट, ठीक है, ओके करके आप यहां से क्लोज करिए, तो देखिए सभी जगह यहां पर क्या हो गया, बर्मा हट के शर्मा हो गया, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन और मैं बताता हूं, कंट्रोल जेड मैं करता हूं, पहले की तरह हो गया, ठीक है, इसमें पॉइंट पे जा रहा हूं यहां पर फिर से,
और यहां पर क्या रखना है आपको, से जैसे आपको यहां पर देखिए लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, इसका इस्तेमाल से भी आप करेंगे कैसे, देखिए आपको सारा जगह नहीं हटाना, ये पार्टिकुलर जगह हटाना, तो जिस जगह पे आपको हटाना है वहां पे आप फाइंड व्हाट से ले जाइए। इसे यहां पर देखिए फाइंड व्हाट क्लिक करता हूं, देखिए क्लिक करते चलिए, यहां पर हटाना है, देखिए यहां पर आइए कर्सर, यहां पे हटाना है, तो जिस जगह पे हटाना है फाइंड व्हाट से पहले वहां पर कर्सर को ले जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। देखिए यहां पर ही सिर्फ हटा, सब जगह तो नहीं ना हटा। उसी तरह से अगर आपको लगता है कि नहीं हमें और नेक्स्ट हटाना है आगे, तो रिप्लेस फाइंड नेक्स्ट हटाना है, कर लिए रिप्लेस, फिर यहां भी हटाना है तो कर लिए रिप्लेस, ठीक है। अब नहीं हटाना है तो कर लेंगे आप क्लोज, ये देखिए सब जगह नहीं हटा, कुछ पार्टिकुलर जगह हटा, जैसे यहां में हटाया था, यहां में हटाया था और यहां पर हटाया, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि रिप्लेस क्या करता है ऑप्शन, नेक्स्ट सेलेक्ट ऑल क्या होता है, समझिएगा सेलेक्ट ऑल, तो सेलेक्ट ऑल ऑलरेडी मैं वार बाय में बताता हूं कि अगर आप अपना मैसेज को, अपना पैराग्राफ को एक ग्रुप में बांटना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से, देखिए यहां पर शॉर्टकट भी लिख रहा है, यहां पर भी शॉर्टकट लिख रहा है कंट्रोल ए, देखिए कंट्रोल ए लिख रहा है ना, तो कीबोर्ड से अगर एक ग्रुप में बांटना है तो कंट्रोल के साथ ये प्रेस करिए ऑल ग्रुप हो गया, या फिर आप इस पॉइंट पे क्लिक करके कंट्रोल ए कर सकते हैं, देखिए आपका एक साथ हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज मैं जो बताया पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग के बारे में वो सीख चुके होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम को एक अलग से वीडियो बना करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद, फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।